Good morning children. Today we are going to learn our new grammar lesson A and N. What? A and N. So, open page number 10 and let us start. First is look at the pictures. Read the words. What you have to do? You have to look at the pictures and you have to read the words below that picture. First picture is of a pain. What?

नाउ सी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेसन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू हाउ टू रीड विथ मी रीड ए ई आई ओ यू आर वर्वेल्स कमाउन रीड अगेन और एक बार पढ़ो वॉट ए ई आई ओ यू आर वर्वल्स मतलब ए आई ओ यू ये वॉवेल्स है दीज फाइव लेटर्स आर वॉवल ये जो ए यू e, है वो वॉवेल्स है वॉवेल्स मीन स्वर एंड ऑल अदर लेटर्स आर कंसोन वॉट ऑल अदर लेटर्स आर कंसोन मतलब इन फाइव लेटर्स को छोड़ के बाकी बचे हुए लेटर्स दीज आर कंसोन अगेन सी एंड लिसन केयरफुली फिर एक बार देखो और सुनो ए ई आई ओ यू आर वॉवेल्स ए आई ओ यू दीज आर वॉवल्स ये वॉवल्स हैं मतलब स्वर है वॉवेल्स क्या होते हैं वॉवल्स वेन वी आर प्रोनाउंसिंग वॉवेल्स वी हैव टू प्रोनाउंस इट डीपली हम उसे ऐसे उसका प्रोनाउंसेशन जो है वो ऐसे डीपले करते हैं फॉर एग्जांपल ए आई ओ यू तो इसलिए हम इन्होंने वॉवल्स कहते हैं यानी कि स्वर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के स्वर एंड रिमेनिंग आर ऑल अदर लेटर्स आर कंसोनेंट कंसोनेंट्स कंसोनेंट्स मतलब व्यंजन जो रिमेनिंग लेटर्स है फॉर एग्जाम्पल बी सी वेन वी आर प्रोनाउंसिंग दीज लेटर्स वी प्रोनाउंसिंग वी प्रोनाउंस इट वेरी इजीली मतलब हम उन्हें इतना जब हम कंसोनेंट्स को प्रोनाउंस करते हैं तो कैसे करते बी सी डी एफ ऐसे ऐसे कि नहीं कि ए आई ओ यू इसलिए वो कंसोनट्स हैं और ए आई ओ यू दीज आर वॉवेल्स ओके नाउ सी दिस बिफोर अ नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विथ अ कंसोन साउंड क्या है वी यूज अम अब यूज करते हैं बिफोर मतलब पहले किसके पहले अ नेमिंग वर्ड नेमिंग वर्ड मतलब पता है आपको जो नाउन होता है उसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं एंड बिगिनिंग विथ अ कंसोन साउंड कंसोन साउंड कौन से है ए आई ओ यू को छोड़कर बाकी जो भी बचे हुए हैं दीज रिमेनिंग साउंड आर कंसोन साउंड ओके एंड एयू दीज आर वोवेल साउंड ओके नाउ सी ऑन पेज नंबर इलेवन वॉट यू हैव टू डू नाउ लुक एट द पिक्चर्स रीड द वर्ड्स केयर ऑल्सो यूर टू लुक एट दिक्कर्स आपको यहाँ पे भी पिक्चर्स देखने हैं एंड यू ऑर टू रीड द वर्ड्स बिलो दैट पिक्चर फर्स्ट इज वॉट एन ऑरेंज वॉट एन ऑरेंज एन इंक पॉट एन इंक पॉट मतलब जिसमें इंक भरी हुई हो वो इंक पॉट नेक्स्ट एन एलिफंट वॉट एन एलिफंट An umbrella. An umbrella. An ant. An ant. An aeroplane. What? An aeroplane. Now I am going to read a very important sentence. We have to read with me. We use an before a naming word beginning with a vowel sound. वॉट आई हैव रेड क्या पढ़ा मैंने वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विथ अ वेल साउंड हम एन कब यूज करते हैं बिफोर अ नेमिंग वर्ड मतलब नाउन के पहले और किस नाउन के पहले द वर्ड बिगनिंग विथ अ वेल साउंड जो भी नेमिंग वर्ड यानि कि नाउन जो वॉवेल साउंड से बिगिन होता हो बिफोर दैट वी यूज एन दूड टेल मी विच आर वॉवेल वॉवेल्स आर ए आई ओ यू दीज आर वॉवेल साउंड ओके ओके चिल्ड्रन नाउ यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन हा हमें यहां ए, ए और एन फिल करने हैं वॉट फिल इन द ब्लैंक्स विध अ और एन फर्स्ट अ मैन वी अव रिटर्न एंड फर्स्ट लेटर इज अ कंसोन साउंड सो बिफोर कंसोन साउंड वी यूज अ नाउ नेक्स्ट एन इंसेक्ट एन इंसेक्ट हियर in this word first letter i which is vowel sound that's why we use here an an insect third is an igloo what an igloo here is also first word is vowel that's why we use an next a watch a watch first letter is a consonant that's why we used a next अन अम्पायर 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 इफ यू इफ यू सी द क्रिकेट मैच देर इज अम्पायर वो जो अंपायर होते हैं ना जो बता दे कि आउट है या नहीं है वो अंपायर. सो फर्स्ट वर्ड इज वॉवेल दैट्स वाई वी यूज हियर एन नेक्स्ट अ लैम्प वॉट अ हियर फर्स्ट वर्ड एल इज कंसोन दूज हियर अ नेक्स्ट अ वैन अ वैन स्कूल वैन तो आपको पता होगी आपकी दैट इज अ वैन इन एन एप्पल वॉट एन एप्पल एंड ऑक्टोपस एन ऑक्टोपस ये जो होता है ना इट लिवस इन सी वो समुन्द्र में रहता है उसे एट आर्म्स होते हैं वो ऑक्टोपस एंड ऑक्टोपस एंड एन एट एन एक गर्ल अ ओ काइट स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली वेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन लाइक दिस यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन वॉट यू हैव टू डू आपको क्या करना है जो भी नेमिंग वर्ड दिया गया हो उसका पहला लेटर आपको देखना है यू हैव टू सी द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट नेमिंग वर्ड यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कंसोनेंट और इट इज अ वॉवेल फिर आपको ये ढूंढना है कि वो कंसोनेंट है कि वॉवेल है वॉवेल तो आपको पता है पांच वॉवेल है आर ए ई आई ओ यू अगर इससे वो वर्ड स्टार्ट हो रहा हो तो बिफोर दैट यू हैव टू राइट एन अंडरस्टूड एंड द वर्ड नेमिंग वर्ड विच बिगिंस विथ कंसोनेंट मतलब ये एम डब्ल्यू एल के जी वी ये जो है ये कंसोनेंट है बिफोर दैट वी हैव टू यूज अ ओके नाउ कम ऑन पेज नंबर ट्वेल्व ओपन पेज नंबर ट्वेल्व नाउस्वी सी क्वेश्चन नंबर टू सर्कल द मिस्टेक्स इन देंटेंसेस देन रिराइट करेक्टली वन हैज बीन डन फॉर यू इन दिस क्वेश्चन वॉट यू हव टू डू सर्कल द मिस्टेक्स इन द सेंटेंसेस आपको इस सेंटेंस में जो भी मिस्टेक है उसे सर्कल करना है देन रिराइट दम करेक्टली उसे करेक्ट करके यू हैव टू राइट इट एंड वन हेजबेंड डन फॉर यू एक आपको करके दिखाया है उन्होंने देखो कैसे फर्स्ट आई एम राइटिंग अ लेटर हियर इज अस्टेक वॉट इज इट दे यूज हियर एन बिफोर दिस नेमिंग वर्ड वॉट आई टोल्ड ड्यू मैंने क्या बताया था जब भी आप ए और एन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो देन फर्स्ट सी द नेमिंग वर्ड एंड फर्स्ट लेटर ऑफ दैट नेमिंग वर्ड नाउ इन दिस सेंटेंस नेमिंग वर्ड इज लेटर एंड फर्स्ट वर्ड एल ये जो एल है वो क्या है कंसोनेंट है या वो एल है ये कंसोनेंट है इसलिए इसके पहले अ यूज करना चाहिए इन्होंने क्या किया so, they have, they have an. An क्या है एन सो यो देव देव सर्कल्ड एन उन्होंने एन को सर्कल किया है एंड बिलो दे हैव करेक्ट राइट इट रोट इट करेक्टली उन्होंने करेक्ट करके यहाँ पे लिखा है आई एम राइटिंग अ लेटर ओके सो नाउ लेट स्टार्ट हम आप सोल्व करते हैं बी क्या है फादर सैट डाउन इन अर्म चेयर हेयर सी हेयर इज अस्टेक दे हैव रिटर्न अंस्टेड ऑफ एन यहाँ पे भी एन होना चाहिए था क्यों क्योंकि ये जो नेमिंग वर्ड है मतलब नाउन है आर्म चेयर फर्स्ट वर्ड ए विच इज अ वॉवेल साउंड एंड बिफोर वॉवेल साउंड हम क्या यूज करते हैं एन सो वी हैव रिटर्न करेक्टली सी हाउ वी हैव है हमने कैसे करेक्ट किया है हमने फर्स्ट वी हैव सर्कल्ड मिस्टेक हियर दे हैव मेड अ मिस्टेक है मिस्टेक है इसलिए हमने ये सर्कल किया एंड Father sat down an armchair. Okay. Then we have corrected. Father sat down in an armchair. What? Father sat down in an armchair. Okay. Now see. Do you want an apple or an banana? Here also. Before apple, they use a and before banana they use an so the correct answer is do you want an apple or a banana okay c or d we have a electric kettle here this is a mistake e is a vowel sound so we have an electric kettle नेक्स्ट सुबेरा हैज एन न्यू बायसिकल हियर नेमिंग वर्ड इज न्यू एंड एन इज अंसोन बिफोर कंसोन वी हैव टू राट हियर इज अस्टेक सो वी हैव सर्कल डेट हमने इसे सर्कल किया है एंड द करेक्ट एंसर इज सुबेरा हैज अव बायसिकल नेक्स्ट Manish has an uncle who lives in Greenland. Here, naming word is uncle. First word is first letter is U, which is a vowel sound. So, here they have written a, which is a mistake. Galat hai, circle kia hai. And Manish has a, an uncle who lives in Greenland. Next.

बिग एनिमल हियर देर आर टू मिस्टेक है कौन सा अ एलिफंट बिकॉज एलिफंट इन दर्ड एलिफंट फर्स्ट वर्ड ई विच इज अ वॉवेल एंड वॉवेल के पहले हम क्या यूज करते हैं एन सो एंड हियर ऑल्सो इज एन बिग एनिमल बिग के पहले भी जो बी ये साउंड है इट इज अ उंड और कंसोन साउंड के पहले हम ए यूज करते हैं सो ए एंड एन हियर इज अस्टेक सो वी हैव सर्कल इसलिए हमने ऐसे सर्कल किया है अब देखते है वॉट इज द करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर इज एन एलिफंट इज अग एनिमल ओके चिल्ड्रन वी हैव फिनिश दिस लेसन सो आई हैव टू रिवाइज टू थिंग्स टू यू मे दो चीजें आपको फिर एक बार बताता हूँ लिसन इट वेरी केयरफुली फर्स्ट थिंग इज ए आई ओ यू आर वॉवेल्स क्या ए आई ओ यू दीज आर वॉवेल्स एंड ऑल अदर लेटर्स आर कंसोन और रिमे इन पास लेटर्स को छोड़ के बचे हुए लेटर्स दीज आर कंसोन ओके एंड वी यूज अ ये जो अ है अ बिफोर अ नेमिंग वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड कंसोनेंट साउंड के पहले हम अ यूज करते हैं एंड वी यूज एन बिफोर अ नेमिंग वर्ड विच बिग वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवल साउंड और वॉवल साउंड के पहले कि जो भी नेमिंग वर्ड वॉवल साउंड से बिगिन होता हो उसके पहले हम एन यूज़ करते हैं ओके स्टूडेंट्स सॉल्व दिस इन योर ग्रामर बुक एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इट इन योर इंग्लिश नोटबुक ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे